एज ए विलन मुझे औरा दिख रहा था वो प्रेम कि उनके पास वाक्य सिद्धि है okay. अब उसे चाहे आप काली जबान कह लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, राहु को दबा लेते हैं नीचे, राहु को शांत कर लेते हैं, तो वो भी विनर हो सकते हैं। फिर रिलेशनशिप्स के लिए अगले 1.5-2 साल आपको लेकर थोड़े से सेंसिटिव हैं, यहाँ पर सिर्फ करियर पे ही फोकस किया जाए। टीना जब भी केयरफ्री रहेगी तब उन्हें काम मिलेगा। टाइम शालीन के पास, आप सभी जानते होंगे कि उसके पास कोई ऐसा कंधा नहीं है, लेकिन इसमें अगेन जो चीज आने नहीं हो पाई निमृत, और घर से निकलते ही आप 4 से 5 गाने तो आप 2-3 महीनों में उनके देखने वाले हो। वेलकम टू टेलीचर्स का, आज हमारे साथ है सौरिश। तो सौरिश क्या कुछ कहना चाहेंगे, हाल ही में बिग बॉस के घर में जाकर आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा सबसे पहले? तो देखिए बिग बॉस जो है इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और इसकी व्यूअरशिप सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड भी है। तो मैं उस एक एपिसोड का 20-25 मिनट के लिए हिस्सा बन पाया, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और बिग बॉस ने, एंडमॉल की टीम ने, कलर्स की टीम ने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ओके, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि प्रियंका के बारे में आपने एक चीज कही थी कि अंकित के साथ उनका रिलेशनशिप धुंधला दिख रहा है फिलहाल, और उन्होंने कहा था वो सिर्फ दोस्त है, तो उस चीज के बाद क्या आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था? देखिए जो बिग बॉस शो का फॉर्मेट रहता है, मेरा जो टेक था अंदर वो 2.5 से 3 घंटे का था। अब टाइम बाउंडेशन होने की वजह से वो पूरा दिखा नहीं सकते, दैट इज ऑब्वियस। सॉरी, तो ये सिर्फ मैंने अंकित के लिए नहीं, अंकित के बाद मैंने ये भी चीज ऐड की थी, रिलेशनशिप्स के लिए अगले 1.5-2 साल आपको लेकर थोड़े से सेंसिटिव हैं, यहाँ पर सिर्फ करियर पे ही फोकस किया जाए। और रही बात ट्रोलर्स की, जैसे प्रियंका और अंकित के काफी फॉलोअर्स हैं तो थोड़ा सा बैकलैश भी मिला, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। जब और मेरा काम है सच्चाई बोलना जी। अगर मुझे नहीं दिख रहा तो मेरे को तो यही बोलना है ना, और लोग इसको अगर स्क्रिप्टिंग समझे, लोगों को लगता है सब स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन मेरा काम है लोगों का भविष्य बताना। मैं कभी भी किसी की भी स्क्रिप्ट पढ़ के कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं फिर उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ करूंगा, तो वो मेरा काम नहीं है। तो जो मेरे को जेन्युइनली दिख रहा था, बहुत जेन्युइनली मैंने उन्हें ये मैसेज दिया। ओके, साथ ही टीना की बात करें तो बिग बॉस के बाद क्या उनके लिए कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो भी उनके औरा से आप पता लगा पाए? देखिए एक चीज जो ऑन एयर आई है वो ये है, टीना जब भी केयरफ्री रहेगी तब उन्हें काम मिलेगा। काम का जितना स्ट्रेस लेंगे कि काम नहीं मिल रहा या ऑडिशंस में बस दी जा रही हूँ, तो काम मिलेगा भी नहीं। ओके, केयर फ्री एटीट्यूड से जाएंगे और अपना वैसे भी एटीट्यूड टुवर्ड्स द होल टीम जो कि होता है प्रोडक्शन का, अगर वो ठीक रखा जाए तो आने वाले भविष्य ठीक रहेगा। ओके, शालीन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीवी में थोड़ा सा ही दिखाया गया है, लेकिन आजकल वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सा काफी ज्यादा शो के दौरान देखने को, इमोशनल कह सकते हैं अप एंड डाउन देखने मिल रहे शो में जी। जब किसी को सहारा नहीं मिलता कोई, इस टाइम शालीन के पास, आप सभी जानते होंगे कि उसके पास कोई ऐसा कंधा नहीं है जिस पर वो सिर रख पाए और अपने दुख सुना पाए, तो ऐसे में क्या होता है, जो राहु ग्रह होता है वो बहुत प्रबल हो जाता है। तो राहु जब प्रबल होता है वो इंपल्शन के फॉर्म से निकलता है, और जब भी इंपल्शन के फॉर्म से निकलेगा तो राहु एक कैरेक्टर का इमेज खराब ही करेगा, जो कि उनका खराब हो रहा है। और उन्होंने यही सजेशन दे के आया था कि अपना असली कैलिबर दिखाओ और जो राहु है उसको शांत करो, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, उससे राहु शांत होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा जब भी हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कभी कभी अगर नोटिस किया कि ठंडा शार लिया जाए तो एकदम से हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि राहु शांत होता है चंद्र से, चंद्र होता है ठंडा पानी। तो इन्होंने सजेशन दे के आया अंदर। ओके, साथ ही अगर बात करें अर्चना की, तो अर्चना के लिए आपने कहा था कि उनकी जुबान काली है। अगेन शो का फॉर्मेट होने की वजह से मैंने ये भी कहा था कि उनके पास वाक्य सिद्धि है, अब उसे चाहे आप काली जबान कह लो, उसे आप वाक्य सिद्धि का मतलब क्या, उनके वाक्य जो है वो सिद्ध हो जाएंगे, यानी जो वो बोलेंगे वो हो जाएगा। और ये शक्ति सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनका दिल बहुत ज्यादा साफ होता है, ठीक है। और इसमें मंगल का रोल बहुत बहुत प्रोमिनेंट है, मंगल अगर सातवें घर में हो, लगन में हो, उनके पास ये शक्तियां होती है, जो कि उनके औरा में मेरे को दिख रहा था, दिल साफ होने की वजह से। लेकिन राहु की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होने की वजह से बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है, जो कि बुरा है। उसके लिए मैं सजेशन दे के आया था जो ऑनर नहीं हो पाया, और पॉलिटिकल करियर के लिए भी सजेशन दिया था कि अगर सीरियसली लोगे इस प्रोफेशन को तभी भविष्य बन पाएगा, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, इसी के साथ शिव की बात करें तो शिव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में भी आपने काफी कुछ कहा है, लेकिन जो नहीं बताए वो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे कि आपने ऑलमोस्ट शिव के बारे में जितना भी बोला था उसमें से काफी हिस्सा उधर आया है,
दिल से बहुत सच्चे इंसान है। हाँ। उनका भी मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मंगल की वजह से ही बोला था, जिसका मंगल स्ट्रांग होता है वो जिंदगी में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। मंगल अच्छे होने की वजह से मैंने उन्हें बोला था कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग जुड़ना पसंद करते हैं और लोग याद रखते हैं कि हम इस पर्सनालिटी को मिले थे। हाँ। तो अगर वो इसी तरह इनोसेंस से आगे बढ़ते रहेंगे बिना पॉलिटिक्स के, चाहे फ्रेंड सर्कल में भी, आजकल कॉमन है कि फ्रेंड सर्कल में भी पॉलिटिक्स हो जाती है, जहां हम काम करते हैं वहां भी पॉलिटिक्स हो जाती है, उस पॉलिटिक्स को साइड पे रखकर अगर दिल साफ करके आगे बढ़ते रहेंगे तो हनुमान जी की बहुत ज्यादा कृपा रहेगी, उन पर हनुमान जी की बहुत ज्यादा कृपा है। ओके, इसी के साथ निमृत की बात करें तो निमृत और शालिन आई गेस दोनों के लिए आपने कहा था कि उन पर 7:30 ही शुरू होगा। हाँ, लेकिन लेकिन इसमें अगेन जो चीज आने नहीं हो पाई जी, निमृत इज अ वेरी गुड लर्नर, मतलब निमृत समझ जाती है कि उसे क्या करना है और उस पर एक्शन ले लेती है। हाँ। 7:30 का मतलब ये नहीं है कि 7:30 जो है, पहले 7:30 का मतलब समझिए, 7:30 को हम कहते हैं 7:30, यानी 7.5 ईयर्स का ये पीरियड रहता है जो कि हर इंसान की जिंदगी में आता है लगभग 30 साल के बाद। हाँ। ज्यादा टेक्निकलिटीज में घुसेंगे नहीं, तो इतना हम जान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 30 साल बाद ये 7.5 साल का पीरियड आता है। 7:30 लोगों की जिंदगी भी बदलता है। अब मेरे खुद की पिछले 2.5 साल से 7:30 चल रही है। ओके। और जब से शुरू हुई है मैं तो सिर्फ राइज ही देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ और मैं गलतियों से सीखता हूँ। अगर कोई भी इंसान गलतियों से सीखेगा 7:30 में तो 7:30 बहुत अच्छा फल देगी। अगर 7:30 बुरी होती तो शायद मैं बिग बॉस के शो में एज एस्ट्रोलॉजर भी ना आ पाता। तो निमृत को मैंने शो पे यही बोला जो ऑनियर नहीं हुआ, शी इज अ वेरी गुड लर्नर, वो जल्दी सीख लेती है गलतियों को और उस पर काम करती है, तो 7:30 इतना इफेक्ट नहीं करेगी बल्कि देके जाएगी जैसा मेरे को देके जा रही है। साथ ही सुम्बुल की बात करें तो सुम्बुल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सुम्बुल की हम बात करें, उनके ऑरा में जो सबसे नेगेटिव प्लैनेट था वो था मून। अब मून इसलिए था क्योंकि माँ का प्यार भी नहीं मिला, माँ से सेपरेशन जल्दी हो गई। yes. जो कि लोगों ने, उसके फैंस ने भी काफी बैकफायर किया कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को कैसे बीच में ला सकते हो। लेकिन इसके अलावा और जो चीज मैंने बोली थी जो ऑनियर नहीं हुआ, मैंने कहा माता नहीं, सिर्फ माता नहीं, माता समान औरतों का भी आशीर्वाद अगर लोगे, उनकी सेवा करोगे तो इमोशनल बैलेंस रहेगा। उनकी कुंडली में इमोशनल बैलेंस को छोड़कर बाकी सब चीजें मेरे को अच्छी दिख रही थी। इमोशनल बैलेंस अगर सब चीजें अच्छी हैं, नाम भी बन रहा है, काम भी ठीक चल रहा है, शोज भी मिल रहे हैं, अगर इंसान अंदर से ही खुश नहीं है तो वो काम भी किस काम का, है ना? तो मेरा काम था उनको उस बारे में गाइड करना कि राइज तो कर रहे हो साथ अंदर से भी खुश रहो। तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि माँ और माता समान औरतों की सेवा अगर करोगे मेंटली स्टेबल भी रहोगे, और जो दूसरी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि पैसे बचते नहीं, वो पैसा बचना भी चंद्र का ही होता है, तो अगर वो माता और माता समान औरतों की सेवा करेंगे तो लिक्विडिटी के कंसर्न्स भी नहीं रहने वाले उनके साथ, और इसी के साथ साथ इमोशनल बैलेंस भी रहेगा। एमसी स्टैन के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्टैन की कुंडली में, स्टैन के ऑरा में बहुत स्ट्रांग चीज थी। जब भी लाइफ में आलोचनाएं होंगी यानी क्रिटिसिज्म होगा, अगर वो उस क्रिटिसिज्म को बॉदर नहीं करेंगे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। यही चीज मैं उनके कॉन्शियस माइंड में डाल के आया हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को ऑलमोस्ट सब कुछ पता होता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता। तो इस बार जब मैं अंदर गया तो उनके कॉन्शियस माइंड में डाल के आया हूँ, और उनकी कुंडली में, उनके ऑरा में ये चीज है, जितना बड़ा क्रिटिसिज्म उनको समझ लेना चाहिए उतना हिट गाना आने वाला है, और घर से निकलते ही आप 4 से 5 गाने तो आप 2-3 महीने में उनके देखने वाले हो। वाओ, ओके। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या आपके हिसाब से कहे तो टॉप 2 या टॉप 5 कौन लगते? जिसका एज अ विनर मुझे ऑरा दिख रहा था वो प्रियंका और शिव ही थे। हाँ। इसके साथ मैंने बोला था शालीन अगर गेम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, राहु को दबा लेते हैं नीचे, राहु को शांत कर लेते हैं तो वो भी विनर हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर उसके अलावा हम बात करें तो 51 और 49 का टफ गेम है। 51 मैं दूंगा प्रियंका को, 49 दूंगा शिव को। ओके, लास्टली ऑरा की अगर बात हो ही रही है तो किसी के ऑरा से आपको लगा था कि ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना चाहिए, ऐसा कुछ था? हाँ, जैसे कि शालीन को मैंने बोला ना, उसका राहु मेरे को बहुत वीक लग रहा था। हाँ। तो मैंने उन्हें बोला ठंडे पानी से नहाओ, स्विमिंग करो, राहु शांत होना शुरू हो जाएगा। जब राहु शांत हो जाएगा तो सोच शांत हो जाएगी, जो भड़कने वाली सोच है। हाँ। और जो हम लाइफ में धुंधलापन भी हो जाता है कि किस डायरेक्शन में जाए किस डायरेक्शन में ना जाए, वो धुंधलापन भी राहु का है, वो भी चले जाएगा।
ओके लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, फैंस को, आपको कितना प्यार मिला बिग बॉस के घर से जब आप बाहर आए, क्या पहचान अब अलग बन गई है? देखिए जैसे कि मैं सबको बोलता हूँ कि मैंने आज तक कभी भी लाइफ में कोई भी पेड प्रमोशंस नहीं की। बिग बॉस पे आने से पहले मैं काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स को, काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और पॉलिटिशियंस को अपना कंसल्टेशन दे चुका हूँ, जिनमें से कुछ नाम जैसे इमरान हाशमी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, है ना, अनीस बाजमी जिन्होंने 2022 की सबसे बड़ी हिट मूवी दी, वो मेरे लिए बड़े भाई की तरह। तो ये सब सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से मैं उन्हें मिल पाया। अब माउथ पब्लिसिटी सिर्फ उस इंसान की होती है जिसके पास कोई क्षमता है, जो कोई नॉलेज रखता है और जो लोगों को रिजल्ट्स दे सकता है, है ना। लेकिन लाइफ में पहली बार अगर पब्लिसिटी हुई तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि बिग बॉस जो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है वो एक मेरा प्लेटफॉर्म बनेगा। और भगवान की इतनी कृपा है, मीडिया पे मैसेजेस आए वहां से भरी हुई है, तो बस इधर से फ्री होके बस मैं कोशिश करूंगा कि सबको मैं जवाब दे पाऊँ, सबको रिप्लाई दे पाऊँ और लोगों की मदद कर पाऊँ इस ज्योतिष के माध्यम से। थैंक यू सो मच, आपसे काफी कुछ सीखने मिला आज। थैंक यू सो मच।